हेलो गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू द बीके एडिट। तो गाइस, आज मैं आपको एक न्यू सीक्रेट ट्रिक बताने वाला हूं। तो आप अपनी पिक्चर को लाइटरूम के अंदर एडिट तो करते होंगे और उसके अंदर आप मिक्स टूल का भी यूज करते हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही न्यू ट्रिक के बारे में बताने वाला हूं। तो ट्रिक क्या, जाने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना पड़ेगा, तभी आपको इस तरह की फोटो एडिट कर पाओगे, ठीक है। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल पर जो भी पहली बार है तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर देना। सो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो गाइस सबसे पहले आपको अपनी पिक्चर को ओपन कर देना है लाइटरूम ऐप्स के अंदर, ठीक है। और लाइटरूम के अंदर आने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको जाना पड़ेगा इस कलर टूल्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। इसके बाद गाइस आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको ऊपर जाना पड़ेगा मिक्स टूल के अंदर, ठीक है। और मिक्स टूल पर क्लिक कर देना। और इसके बाद गाइस आपको क्या करना है कि इस वाले कलर को नहीं छेड़ना है। आपको क्या करना है, सिंपल आपको इस एरो पर क्लिक कर देना, ठीक है। जो आपको एरो पॉइंटर दिखाई दे रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। और गैस यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, जैसे कि गैस आप लोग देख सकते हैं आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर आपको कलर दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले मैं जाता हूँ इस यू के अंदर। तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको यू के ऑप्शन क्लिक कर देना इस तरीके से। और गैस यहाँ से मैं जाता हूँ बैकग्राउंड के ऊपर, यहाँ पर आपको टैप कर देना इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरीके से नीचे की तरफ खींच देना, ठीक है। तो ऊपर करें तो यहाँ से ग्रीन कलर हो जाएगा और नीचे करो तो यहाँ से येलो कलर हो गया, ठीक है। अगर आप इस तरीके से साइड में करोगे तो आपको यहाँ से ग्रीन कलर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं कर देता हूँ इस तरीके से येलो कलर, ओके। और अगेन मैं करूँगा कि यहाँ से सैचुरेशन के अंदर चला जाऊँगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया और फिर से आपको इस तरीके से यहाँ पर दबा कर रखना है एक बार, ठीक है। और इस तरीके से आपको इस तरीके से कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको 100 कर देता हूँ ऊपर, ठीक है। और इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको फुल कर देता हूँ, ठीक है। एंड गाइस सिंपल मैं इसको छोड़ दूंगा। और फिर आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको लुमिनेशन के अंदर चले आना, ठीक है। तो मैं लुमिनेशन के अंदर चले गया और यहाँ से आपको इस तरीके से दबा कर रखना, ठीक है। और इस तरीके से आप लाइट वगैरह भी डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें थोड़ी लाइट में कम कर देता हूँ लुमिनस की एंड इसको मैं छोड़ दूंगा। तो अब आ रही है फेंस भी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ जो फेंस दिखाई दे रहा है आप इसके ऊपर लाकर इस तरीके से छोड़ देना, ठीक है। तो कैसे करना आपको कि यहाँ से मैं क्षेत्र के अंदर चले गए एंड यहाँ पर फेंस मैंने टैप कर दिया और इस तरीके से आपको करना कि थोड़ा माइनस की तरफ कर देना सैचुरेशन एंड इसके लाइट को थोड़ा ऐसे मैं डाल देता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ओके। और अब मैं जाता हूँ लुमिनस के अंदर और फेंस पर दबा कर रखूँगा इस तरीके से एंड इसके लाइट को मैंने इस तरीके से डाल दी, ठीक है। और सिंपल मैं इसको छोड़ दूंगा। तो ये गाइस बहुत ही बढ़िया ट्रिक लगी मुझे, आपको कैसी लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए गाइस, ठीक है। और सिंपल मैं इसको डन पर क्लिक कर दूंगा। तो अब या चाहे तो आप यहाँ पर देख सकते हो लुमिनस वगैरह भी यहाँ पर एडजस्टमेंट हो चुकी है, ठीक है। और येलो कलर आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे कलर ग्रेडिंग हो चुकी है एंड इसमें चाहे तो आप थोड़ी एडिटिंग भी कर सकते हो। तो कैसे करना, सबसे पहले मैं यहाँ से जाता हूँ वाइब्रेंस के अंदर, इसको थोड़ा माइनस टेम्परेचर माइनस की तरफ कर लेता हूँ, ठीक है। और अगेन जाता हूँ इफेक्ट टूल्स के अंदर और यहाँ से इसकी क्लैरिटी को डाल लेता हूँ एंड टेक्सचर को भी डाल लेता हूँ और विग्नेट थोड़ा माइनस की तरफ कर देता हूँ। सो गाइस इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से आपको जाना एक ट्राइंगल के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्लिक कर देना और इसकी शार्पिंग को डाल देनी 25 और इसके डिटेल्स को फुल कर देना है और इसके नॉइस रेडियंस को इसमें डाल लेता हूँ 41, ठीक है। एंड इसके डिटेल्स को फुल एंड इसके कॉन्ट्रास्ट को इसमें डाल लेता हूँ 28, ठीक है। एंड इसके कलर नॉइस रेडियंस को मैं डाल देता हूँ ऐसे 45 के आसपास एंड डिटेल्स को फुल कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं डन पर क्लिक कर देता हूँ गाइस। तो अब मैं जाता हूँ गाइस क्या करना है आपको कि इसमें जाता हूँ सन वाला आइकन के अंदर, ओके। और यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया और इसकी शैडो के अंदर चला जाता हूँ, ठीक है। एंड इसकी शैडो को थोड़ा मैं माइनस की तरफ कर लेता हूँ एंड इसकी वाइट को थोड़ा मैं डाल देता हूँ एंड ब्लैक्स को यहाँ से मैं माइनस की तरफ कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है, ओके ना गाइस। तो अब मैं जाता हूँ कॉन्ट्रास्ट के अंदर, ठीक है। एंड इसके कॉन्ट्रास्ट को मैं हल्का से ऐसे छेड़ दूंगा और इसके हाईलाइट के अंदर चला जाता हूँ एंड इसके हाईलाइट को मैं माइनस की तरफ कर लेता हूँ थोड़ी, ठीक है। एंड सिंपल मैं इसको डन पर क्लिक कर दूंगा, ओके ना गाइस। तो अब आपको क्या करना है कि मैं फिर से जाऊँगा इस इफेक्ट टूल्स के अंदर, ठीक है, और यहाँ पर क्लिक कर देना और इसके डेज को आपको डाल लेनी, ओके। और यहाँ से आपको इसके क्लैरिटी को थोड़ी और डाल लेनी, ठीक है। और इसकी विग्नेट थोड़ा मैं माइनस की तरफ कर लेता हूँ, कुछ इस तरीके से आपको कर देनी, ठीक है। और सिंपल मैं इसको डन पर क्लिक करूँगा। तो गाइस अभी आपको क्या करना है कि यहाँ से मैं जाता हूँ कलर टूल्स के अंदर और यहाँ से मैं इसके क्षेत्र को थोड़ी और डाल लेता हूँ, ठीक है। एंड इसकी वेवनेस को हल्का सा आपको डाल लेना पड़ेगा और यहाँ से जाता हूँ ऊपर में मिक्स टूल के अंदर, ठीक है। और यहाँ से आपको सेकंड कलर को ऐड कर देना है, ठीक है। और इसके क्षेत्र में थोड़ी आपको माइनस की इस तरीके से कर देनी है, ठीक है, इस तरीके से आपको माइनस की तरफ कर देनी है, ओके। एंड यहाँ से मैं इसकी लुमिनस थोड़ा मैं डाल लेता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ओके ना गाइस।
और मैं इसको सिंपल में डन पर क्लिक करूँगा। ओके तो अब मैं आपको दिखा दूँगा इस ये बिफोर और ये आफ्टर, तो कितनी बढ़िया से हमारी पिक्चर एडिट हो चुकी है। तो गाइस इस पिक्चर को सेव करने के लिए आपको सिंपल शेयर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ से आपको सेव टू डिवाइस का ऑप्शन आएगा तो उस पर आपको प्रेस कर देना। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर जो भी पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर देना। मैं बताऊँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।